दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीप वाटर। विलियम डगलस का है ये ऐसे, ये जो है एक ऐसे है, ठीक है। विलियम डगलस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो विलियम डगलस का जन्म 16 अक्टूबर 1898 को हुआ और मृत्यु 19 जनवरी 1980 को हुआ। और ये जो इनका जन्म हुआ था वो मेन मिनसोटा में हुआ था और उनका पालन पोषण वाशिंगटन के याकिमा में हुआ था। वह एक अमेरिकी न्यायविद और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक सहयोगी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्हें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा 40 वर्ष की आयु में नामित किया गया था और वह अदालत में नियुक्त सबसे कम उम्र के न्यायाधीश थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा की। तो ये था अबाउट द ऑथर। अब हम लोग इस डीपवाटर जो है इस ऐसे में स्विमिंग पूल में लेखक के वह हमें बताते हैं कि कैसे एक युवा लड़के के रूप में वह स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गए थे। तत्पश्चात उन्हें पानी से इतना डर लगता था कि जब भी संभव होता वह इससे बचते थे, लेकिन दूसरी ओर वह अपने डर से छुटकारा पाने के लिए भी दृढ़ थे। धीरे धीरे और लगातार उन्होंने अंत में पानी के डर पर काबू पा लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसका पूरा जो मतलब निकलता है यही है, इसमें डर को दूर करने के लिए, डर पर विजय प्राप्त करने के लिए इस चैप्टर में है। कैसे जो ऑथर हैं वो पानी के डर से कैसे उस पर विजय पाते हैं वो इस चैप्टर में है। तो इसका अगर थीम देखिए तो इस अध्याय में विलियम डगलस द्वारा ये लिखित एक निबंध है जिसमें वह अपने पानी के डर के बारे में साझा करते हैं और कैसे वह साहस, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, दृढ़ता और तैराकी सीखने की तीव्र इच्छा के साथ पर काबू पाते हैं। तो इस अध्याय में शामिल विषय डर और उस पर उसकी जीत है। तो यह इस विचार को व्यक्त करता है कि भय हमारी खुशी और प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा है। यह एक नकारात्मक भावना है जिसे हम दृढ़ इच्छा शक्ति और आशावाद से दूर कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको शॉर्ट में समरी देखते हैं। तो विलियम डगलस द्वारा लिखित डीप वाटर उनकी पुस्तक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, ठीक है। तो डीप वाटर उसके पानी के डर के बारे में बताता है और उसके बाद उसने आखिरकार इसे कैसे दूर किया। इस तरह का उनका पहला अनुभव समुद्र तट पर था। वह अपने पिता के साथ जब एक शक्तिशाली लहर उस पर बह गई, हालांकि लहर पीछे हट गई लेकिन इनसे डगलस को झकझोर कर रख दिया। उसने तैराकी सीखने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने YMCA पुल को चुना। यह सुरक्षित पुल था। उथले सिरे पर इसकी गहराई केवल 2 फीट थी, हालांकि गहरा अंत 9 फीट तक था। जब मैं कोई 10 या 11 वर्ष का था तो मैंने तैरना सीखने ठान लिया। यकीमा में YMCA के अंदर एक तालाब था जो ठीक था, ऐसा अवसर देता था तैरने के लिए, लेकिन यकीमा की नदी खतरनाक थी। माँ सदा इनके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी और यह डूबने का भी विस्तृत वर्णन मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी, मतलब उनके अंदर जो था डर था। परंतु YMCA का तालाब सुरक्षित था। उथले किनारे पर तो यह केवल 2 या 3 फुट ही गहरा था और यद्यपि दूसरे किनारे पर यह 9 फुट गहरा था। गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी। मैंने जल परों का एक जोड़ा उठाया और ताल की ओर चल पड़ा। उसके अंदर नंगे जाकर अपनी पतली पतली टांगे दिखाना मुझे कतई पसंद न था, पर मैंने अपने अभिमान को दबाया और वह किया। प्रारंभ से ही पानी के अंदर होने पर मुझे पानी से घृणा होती थी। यह तब से प्रारंभ हुई थी जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। वे और मैं टकराती लहरों के बीच खड़े थे। मैं उन्हें पकड़े हुए
था, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई। मैं पानी के अंदर दफन हो गया था, मेरी सांसें रुक गई थीं, मैं डरा हुआ था। पिताजी हंस रहे थे, परंतु लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में था। YMCA के तरल ताल के परिचय ने दुखद यादों को पुनर्जीवित कर दिया और बचपन के डर को जगा दिया। पर कुछ देर में ही मुझ में आत्मविश्वास आ गया। अपने नए जलपरों को पहने मैंने हाथ पैर मारना प्रारंभ किया और दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का प्रयत्न किया। अलग अलग दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा किया और अभी आत्मविश्वास आना प्रारंभ ही हुआ था कि दुर्घटना घट गई। जब कोई और वहाँ नहीं था, मैं ताल पर पहुँचा। उस स्थान पर सन्नाटा था, जल शांत था और टाइल लगा हुआ तल स्नान के टब की भांति सफेद और स्वच्छ था। अकेले अंदर प्रवेश करने से मैं डर रहा था, अतः औरों की प्रतीक्षा करते हुए मैं तालाब के एक तरफ बैठ गया। मुझे अभी वहाँ अधिक देर नहीं हुई थी कि एक शक्तिशाली आदमी जैसा एक लड़का वहाँ आया। कोई 18 वर्ष का होगा, उसकी छाती पर घने बाल थे, वह सुंदर स्वच्छ लड़का था। उसकी टांग और बाजू की मांसपेशियां लहरा रही थी। वह चीखा, ओ पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? इसके साथ ही उसने मुझे उठा लिया और मुझे पानी में फेंक दिया। मैं बैठी हुई स्थिति में आकर गिरा, पानी निकला और तुरंत ही तल पर पहुंच गया। मैं डर गया, पर अभी इतना नहीं कि होश हवास खो दूं। नीचे गिरते हुए मैंने योजना बनाई। जब मेरे पैर जमीन पर पड़ेंगे, मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा और उस पर सीधा लेट जाऊंगा और तैर कर किनारे पर पहुंच जाऊंगा। नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था, 9 फुट 90 फुट की लग रहे थे, और मैं जमीन छू लूँ इससे पहले ही मेरे फेफड़े फटने लगे। पर जब मेरे पैर जमीन पर लगे, मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने ख्याल से मैंने ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। मैंने सोचा कि मैं कौर की तरह उछल कर सतह पर आ जाऊंगा, पर इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने आंखें खोली तो पानी के अतिरिक्त कुछ न था। ऐसा पानी जो मैले पीले रंग का था। मैं चीखने की कोशिश की, पर कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। फिर मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आए, पर मुंह नहीं। नीचे जाते हुए मैंने पानी पर जोर आजमाया। मैं अपनी शक्ति उस तरह व्यय करता रहा जैसे भयानक स्वप्न के अंदर कोई किसी अपराजेय शक्ति से लड़ रहा हो। मेरी सांसें फूल गई थी, मेरे फेफड़े में दर्द हो रहा था, मेरा सिर धक धक कर रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था, पर मुझे योजना का पता था। मैं ताल के तल से छलांग लगाऊंगा और कॉर्क की सतह पर आ जाऊंगा। मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा, अपने बाजू से पानी काटूंगा और टांगे मारूंगा। इस प्रकार मैं तल के ऊपर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। मैं नीचे नीचे अनंत रूप से चलता गया। मैंने अपनी आंखें खोली, पीले पानी के अतिरिक्त कुछ भी न था, अंधेरा सा पानी जिसके पार कुछ नजर न आता था। और तब मात्र शुद्ध भय ने मुझे काबू कर लिया। वह भय जहाँ समझ काम नहीं करती है, वह भय जो काबू के बाहर हो जाता है, वह भय जो वही जान सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो। मैं पानी के नीचे चीख रहा था, मैं पानी के नीचे संज्ञा शून्य हो गया था। डर से कठोर और जड़त्व मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई थीं। केवल मेरा दिल और मेरा सिर की धड़कन कह रही थी कि मैं अभी जीवित था। और तब आतंक के बीच कुछ समझ की बात आ गई, याद आई। जब मैं तल पर पहुंचा, तब मुझे छलांग लगाने की बात याद रही। अंततः मैंने अपने नीचे फर्श की टाइलों का एहसास किया, मानो उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पंजे आगे बढ़े। अपनी पूरी ताकत से मैं कूदा, परंतु मेरी छलांग से कोई अंतर नहीं पड़ा। पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। मैं रस्सियाँ सीढ़ियाँ जल परों की तलाश में था। पानी
और केवल पानी ही चारों तरफ थे। पीले पानी की एक बड़ी मात्रा ने मुझे घेर रखा था। सुध भय ने एक बार फिर मुझे जकड़ लिया था, मानो बिजली का कोई चार्ज लगा हो, कोई करंट लगा हो। डर से मैं हिल और कांप रहा था। मेरे बाजू हिल नहीं रहे थे, मेरी टांगे हिल नहीं पा रही थी। मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाने का प्रयत्न किया, अपनी माँ को आवाज़ देनी चाहिए, पर कुछ नहीं हुआ। और तभी विचित्र बात थी, प्रकाश हो गया। मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से मेरी आंखें आ रही थीं, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा। मैंने हवा खींचनी चाही पर पानी अंदर गया। पीली रोशनी बुझने लगी। तब सारे प्रयत्न थक गए। मुझे चैन आ गया। मेरी टांगे भी शक्तिहीन अनुभव कर रही थी और मेरे दिमाग पर अंधेरा छा गया था। इसने डर से छुटकारा दिलाया, इसने आतंक को मिटा दिया। अब कोई घबराहट न थी, सब कुछ निःशब्द और शांत था। डरने के लिए कुछ न था, यह अच्छा था। उनींद होना, सो जाना, अब छलांग लगाने की जरूरत न थी। इतना थक चुका था कि छलांग लगा ही न सकता था। अच्छा है, आराम से कोई उठा कर ले जा रहा था। खुली आकाश में बहने वाली हवाएं, मैं किसी नाजुक हाथों में था, माँ के जैसे नाजुक हाथों में। अब मुझे सोना ही होगा। बात जो मुझे याद है वह यह है कि ताल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ उल्टियाँ कर रहा था, मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा था, पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कोई बोला, बच्चा लगभग मर ही गया था, अब शांत हो जाओ, चलो इसे लॉकर रूम में ले चले। कई घंटे बाद मैं चलकर घर गया। मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। बिस्तर पर लेटा तो मैं हिल और रो रहा था। उस रात मैं भोजन न कर सका। कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय बना रहा। थोड़ा सा जोर लगाने पर ही मैं बेहोश हो जाता था। मेरे घुटने अस्थिर हो जाते और मेरे पेट में दर्द हो जाता। मैं उस ताल पर कभी वापस नहीं गया। मैं पानी से डरता था। जहाँ भी हो सकता मैं उससे बचने का प्रयत्न करता। कुछ वर्षों बाद जब मैंने झरनों के पानी को देखा, तब मैं उनमें जाना चाहा था। और जब भी मैंने ऐसा किया, चाहे वह टिटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, वह आतंक जो ताल में मुझे वशीभूत कर चुका था वापस मेरे पास लौट आता था। मैं पूरी तरह इसके वश में हो जाता था। मेरी टांगें संज्ञाहीन हो जाती थी। एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेती थी। साल पर साल बीतते गए और यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। मैन की झीलों में, नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सेलमन मछली को पकड़ना, न्यू हैम्पशायर में वेंस मछली का शिकार, और ओरंगन के मेट्रोलियन डेस्क्यूट में ट्राउट मछली को पकड़ना, कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सेलम को पकड़ना, जहाँ भी जाता जल का आतंकित करने वाला डर मेरा पीछा करता रहता। यह मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को तबाह कर देता। मुझे छोटी नाव, बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर देता था। मैं अपनी जानकारी में हर तरीका इस भय पर विजय पाने के लिए अपनाया, पर इसने मुझे कसकर पकड़े रखा। अंततः एक अक्टूबर मास में मैंने तैरना सीखने के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय किया। मैं एक तालाब पर जाकर एक सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास करता। शिक्षक मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता। बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती जो एक पुली से होकर जाती, जो सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती। वह रस्सी के किनारे को पकड़े रहता और हम आगे पीछे जाते रहते। घंटा के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते, हम ताल में एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहे। ताल के आर पार हर यात्रा में कुछ भय मेरे मन में बना रहता। हर बार जब शिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता और मैं पानी के अंदर चला जाता, पुराने आतंक का कुछ अंश लौट आता और मेरी टांगे जम जाती। मेरा तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। तब उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया और स्नान उठकर नाक उठाकर सांस लेना।
मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार किया, धीरे धीरे करके उस घबराहट का एक भाग जाता रहता जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होती थी, पर वह मुझे पकड़े रहा और मैं पानी में टांगे मारता रहा। हफ्तों तक मैं यही करता रहा। पहले पहले तो मेरी टांगों ने जवाब ही दे दिया, पर धीरे धीरे वह तनावहीन होने लगी और अंततः मैं उसे आज्ञा दे सका। टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने एक तैराक बनाया और जब उन्होंने हर टुकड़े को त्रुटिहीन कर दिया, उन्होंने उन सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। अप्रैल में वे बोले, अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ और ताल की पूरी लंबाई तैर कर पूरी कर लो, धीरे धीरे जाओ चाहे तेजी से। मैंने यह किया। शिक्षक का कार्य पूरा हो चुका था, परंतु मेरा कार्य पूरा न हुआ था। मैं अभी भी डरता था कि कहीं ताल के अंदर अकेला होने पर मैं भयाक्रांत तो नहीं हो जाऊंगा। मैंने ऐसा कुछ करके देखा। मैं ताल के एक किनारे से दूसरे और फिर वापसी उसी किनारे पर तैर कर गया। पुराने आतंक के अवशेष लौटा करते थे, पर क्रोधित होकर उस भय से कहता था, अच्छा तू मुझे डराना चाहता है, ठीक है, यह तुम्हारे नाम पर, देख, और बार और पार कर देता। जुलाई तक यही चलता रहा, पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं था कि सारा भय समाप्त हो चुका था। अतः मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया, ट्रस्ट आइलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील झील में एक्ट आइलैंड पहुंचा। मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। केवल एक बार आतंक लौटा, जब मैं झील के बीच में था, तब मैंने जल में सिर डाला और मुझे अतल जल के अतिरिक्त कुछ न दिखा। पुरानी भावना छोटे रूप से लौट आई। मैं हंसा और बोला, अच्छा आतंक साहब, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। वह भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। फिर भी मेरे मन में शक बाकी था। पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। टिटन से ऊपर कोनाई मिडोज तक गया, कोनाई ग्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मिडोज से कैंप डाला। अगले दिन प्रातः मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और तैर कर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैर कर ही वापस आया, बिल्कुल वैसे जैसे डाक कार्पन किया करता था। मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट ने गूंज कर चीख दोहराई, मैं अपने जल के भय पर विजय पा चुका था। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था, जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है और इस पर विजय पाई है। मृत्यु में एक शांति होती है, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है, जैसे कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है, क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाले आतंक दोनों का ही अनुभव किया था। जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। अंततः मुझे मुक्ति, भय का अनुभव हुआ। मैं आज़ाद था, पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए।